चलिए अब हम समझ रहे हैं डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन से यहाँ क्या मीनिंग है, डेटा वैलिडेशन से मीनिंग यही है कि डेटा को सही तरह शीट के अंदर एंटर जो है पर्टिकुलर कॉलम में, उसके खुद के कॉलम में सही मायनों में कैसे एंटर कराया जाए और गलती के चांसेस को कम से कम बनाया जाए। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हम अभी कंट्रोल करना सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब लेट सपोज यहाँ पर अभी हम कॉलम में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ लिखा जाना है कैरेक्टर, मतलब नेम का मतलब होता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि आप ए टू जेड से शुरू होने वाले कोई भी कैरेक्टर लिखेंगे। डेट का मतलब होता है कि इस फॉर्मेट में कोई ना कोई वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है। और वैल्यू का मतलब होता है या नंबर कुछ लिखे जाएंगे, यानी कि 0 to 9 से शुरू होने वाले डिजिट्स। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, अभी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप जो है कैरेक्टर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप जो है डेट भी लिख सकते हैं। इससे गलती तो हो सकती है, लेकिन इस चीज को सही बनाने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए जिस कॉलम में डेटा एंटर कराना है, समझ हम कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इसको, और सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे हम डेटा में, और डेटा से जाके कहेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में आगे कहेंगे यहाँ लिखा हुआ है एनी वैल्यू, एनी वैल्यू मतलब कुछ भी लिख दो। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ। अब टेक्स्ट लेंथ पर आ गए आप, सपोज टेक्स्ट कहते हैं कैरेक्टर्स को, टेक्स्ट लेंथ पर आप ये कह रहा है कि भाई बताओ कितनी लेंथ होनी चाहिए। अब लेंथ में नहीं, आपके यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल रहे हैं। बिटवीन, बिटवीन का मतलब है कि वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट, मतलब भाई एक मिनिमम जो है 4 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 10 कैरेक्टर का नहीं होना चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात क्या है, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं नहीं बिटवीन नहीं नॉट बिटवीन, तो अब नॉट बिटवीन का मतलब है कि भाई जो नाम की लेंथ है वो 4 से 10 के दरमियान में नहीं होनी चाहिए। मतलब या तो नाम 3 कैरेक्टर का हो, मतलब 4 से कम हो, 2 का हो, या फिर राम 10 से ज्यादा का हो, ये दूसरी बात हो गई। अच्छा अगर आप कहते हैं इक्वल टू, इसका मतलब अगर आप यहाँ 10 लिख देते हैं तो जो नाम लिखेंगे उसके अंदर कैरेक्टर कम से कम 10 होने जरूरी हैं। अगर आप 10 से कम करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ज्यादा करेंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा नॉट इक्वल टू, अब इसका मतलब लिख दिया 4, नाम की लेंथ 4 नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 हो या 4 से ज्यादा हो चलेगा, ठीक है। उधर कहते हैं आप ग्रेटर देन, अब यहाँ लिख रहे हैं आप 6, भाई जो नाम लिखेंगे वो 6 कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या है, आप कहते हैं लेस देन, 6 कैरेक्टर से कम का होना चाहिए। आप कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, 6 कैरेक्टर का हो या 6 कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए। और अगर आप कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब 6 कैरेक्टर का हो या 6 कैरेक्टर से कम होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर अब हम यहाँ पे कोई ऐसा पैरामीटर रख रहे हैं कि भाई जो अब नाम लिखा जाएगा वो एक रेंज में हो, मतलब मिनिमम 3 कैरेक्टर का, और ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर एक्सेप्टेंस जो है वो है 12 कैरेक्टर की। अच्छा अब ये तो हो गया, अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करे इस रूल की, तो ये एक रूल बना रहे हैं ना, तो उसके लिए आप आ रहे हैं कि इनपुट मैसेज क्या आना चाहिए। अच्छा खिलाफ वर्जी में ये नहीं आएगा, ये आपको पहले बताएगा। जैसे आपने कहा एंटर नेम, और नेम शुड बी मिनिमम 3 कैरेक्टर्स, एंड मैक्सिमम 12 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ये कोई भी एक मैसेज बना दिया मैंने। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये तो हो गया इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज के बाद एरर अलर्ट में आप किस किस्म का एरर देना चाह रहे हैं। भाई अगर आप यहाँ लिखेंगे यहाँ के सपोज टू बी स्टॉप, तो इसका मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उस एरर का एक टाइटल बना दें। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं एरर और इनवैलिड कैरेक्टर लेंथ, ये हमने एक एरर बना दिया। अच्छा अगर आप ये दो चीजें नहीं भी लिखेंगे तो कोई सब मतलब रूल तो बन ही जाएगा, पर कोई मैसेजेस नहीं आएंगे। ओके कर दें। अब जब भी आप इस सेल के ऊपर अपना पॉइंटर लाएंगे ना, तो एक मैसेज आएगा एंटर नेम, नेम शुड बी मिनिमम 3 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 12 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो डेटा एंटर करने वाले को पता चल जाएगा कि मुझे नाम इसके दरमियान में लिखना है, फिर भी वो गलती कर देता है। फॉर एग्जाम्पल वो अली नाम लिखता है, एक्सेप्टेड है। अली खान लिखता है तब भी एक्सेप्टेड है, राशिद लिखता है तब भी एक्सेप्टेड है। अच्छा अब राशिद खान लिखता है तब भी एक्सेप्टेड है, क्योंकि राशिद के 6 और 4 और 1 स्पेस। अब वो लिख रहा है राशिद मोहम्मद खान, तो ये एरर का मैसेज आ गया आपका, एरर इनवैलिड कैरेक्टर लेंथ। अब आप कितनी दफा रिट्राई कर ले, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, कैंसिल ही करना पड़ेगा आपको इसको। इससे क्या फायदा हुआ भाई, इससे फायदा ये हुआ कि जो आपने रूल बनाया अब डेटा उसी के मुताबिक इंटर होगा, उससे हट के डेटा का इंटर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कैरेक्टर लिख देता है
सही है। तो इससे समझ में आया कि गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल अब आपको सेलेक्ट करना है कितने सेल पे रूल अप्लाई करना है, डेट ऑफ बर्थ में आ गए, सेटिंग्स पे गए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेट, वही छः ऑप्शन इसमें भी है, 2, 4, 6, 8 ऑप्शन। अगर आपको रेंज बनानी तो रेंज बनाइए, अगर आपको जो है इसकी लेंथ बतानी है तो लेंथ बताइए, अगर आपको ग्रेटर करना है तो ग्रेटर बताइए। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें ये कह रहे हैं कि भाई जो इसमें डेट डेट इंटर करी जानी है, तो अब भाई उसकी एक कोई क्राइटेरिया भी तो बनाएंगे ना हम लोग। भाई मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं कि सपोज टू बी 2000 अभी 17 चल रहा है, तो जो लोग 2000 के बाद पैदा हुए हैं वो इसमें डेट इंटर ना कर सके। क्या कह रहा हूँ मैं, 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं वो इसमें डेट इंटर ना कर सके। अब 2000 के बाद जो पैदा होगा वो लाजमी बात है 18 साल से कम ही हो जाएगा ना, तो अब हम क्या कहेंगे, लेस देन और इक्वल टू 1-1-2000। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी डेट ऑफ बर्थ एंटर की जाएगी या तो वो 1-1-2000 के बराबर हो या इससे कम हो, तो इससे कम तो 99 पे आ जाएगा ना, वो 31-12-1999। तो अगर आपने ये रूल बना दिया, अब आप इनपुट मैसेज क्यों बनाते हैं, अगर आप नहीं बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं अभी ओके कर देता हूँ, क्या हुआ, अब इस सेल पे कोई इनपुट मैसेज नहीं आ रहा। अच्छा अगर मैं गलत डेट डालता हूँ, सपोज मैंने डाला तीसरा महीना 3 तारीख 2005, तो क्या हो रहा है, एरर दे रहा है अभी भी, गलत एंट्री लेगा ही नहीं और कैंसिल करने पे एंट्री खत्म कर देगा। बात समझ में आ रही है मेरी? Yes, तो अब इनपुट मैसेज देने का क्या फायदा होता है, इनपुट मैसेज देने का भाई ये फायदा होता है कि डेटा एंटर करने वाले को समझ में आ जाएगा कौन सा डेटा डाल रहे हैं। अब हमने कहा यहाँ पे इनपुट मैसेज इंटर डेट ऑफ बर्थ, उसे कहा ठीक है भाई डेट ऑफ बर्थ तो डालूंगा, इनपुट मैसेज में क्या डेट शुड बी लेस देन 1-1-2000। ओके अब एक बंदा जब इस पे इंटर करने आएगा तो उसको पता चल जाएगा 1-1-2000 से कम वाले की डेट इंटर करनी चाहिए। अब वो उससे कम वाले की डेट डालता है, सपोज 12वां महीना 31 डेट और 1999 एक्सेप्ट होगी डेट। बट अगर वो डालता है सपोज दूसरा महीना 1 तारीख 2000, सही है। अब एरर भी मिसाल के तौर पे, अब एरर अभी तो मैंने आपको स्टॉप एरर बताया, एरर भी दो तरह के, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन भी है। अब वो सैलरी पे देखते हैं, सैलरी क्योंकि वैल्यूज है, तो अब हम यहाँ आ गए डेटा और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और हमने कहा भाई अब जो इंटर होगा ना वो तो या तो डेसिमल वैल्यू होगी या फिर वो होगा सपोज टू बी होल नंबर। डेसिमल वैल्यू और होल नंबर में क्या फर्क होता है भाई, होल नंबर ऐसी वैल्यूज जिसमें पॉइंट ना आए, 10,000, 20,000, 10, 15, 1, और डेसिमल वैल्यूज वो वैल्यूज जिसमें पॉइंट्स का एलिमेंट शामिल होगा, जैसे 20,000.425, 1.2, 1.6, 2000.456, ये फर्क है। तो सैलरीज हमेशा होल नंबर में होती है, होल नंबर में का। अब भाई इसकी सैलरी में क्या मसला है, मिसाल के तौर पे हाँ मैं एक ऐसी वैसी वैल्यू इंटर कराना चाह रहा हूँ जो 1 से लेके और 1000 रुपये के अंदर हो, 1 से लेके 1000 रुपये के अंदर हो। लेट सपोज अगर कोई स्टूडेंट का फीस का रिकॉर्ड मैं बनाता हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम फीस ही हमारी जो है ना वो मिसाल के तौर पे 600, 700, 800 और 1000 है, 1000 से ऊपर की तो एंट्री होती नहीं है, तो मैं उस चीज़ को भी मेक श्योर कर सकता हूँ ना। तो मैं कहूँगा यहाँ पे बिटवीन, क्या कहूँगा बिटवीन। तो हमारी जो फीस है वो कहाँ से कहाँ तक है, भाई हमारी फीस है 500 से लेके और 1000 तक, दैट्स ऑल, मैंने एंट्री कर दी यहाँ पे, ठीक है। इनपुट मैसेज एरर मैसेज आप नहीं बना रहे फिलहाल, आप नहीं लिख रहे, तो अब मैं स्टॉप टाइप नहीं ले रहा, अब मैं उसकी दूसरी टाइप ले रहा हूँ वार्निंग। क्या ले रहा हूँ, वार्निंग, और इसको क्या कर रहा हूँ, ओके हाँ वार्निंग के लिए मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ एरर ERROR एरर वैल्यू आउट ऑफ रूल। ओके सपोज टू बी किसी ने यहाँ पे 500 की एंट्री करी, एक्सेप्टेड हो गई, 700 की एंट्री, 600 की एंट्री। अच्छा ये क्या हो रहा है ये मैं बताता हूँ, ये तो फॉर्मेट है, सेलेक्ट करके आपको फॉर्मेट भी तो उसका देना है ना यहाँ से, ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में दिखा है,
या फिर जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में दिखा, इसके ऊपर भी अभी हम एक सेशन करेंगे। चलो करेंसी पे करते हैं। जैसे मैंने 1-2000 की 1200 की एंट्री करी तो क्या आ गया यहाँ पे, ये एक दूसरी किस्म है एरर की जिसे हम कहते हैं वार्निंग, ये साइन वार्निंग है। अब ये कह रहा है वैल्यू आउट ऑफ रूल, आपको इन्फॉर्म कर दिया है इसने, चॉइस आपके पास है। अब अगर आप समझते हैं कि ये वैल्यू गलत है तो आप नो कर दें, देन करेक्ट इट। बट आप कहीं पर एंटर कर रहे हैं लेकिन आपको करना है, मुझे करना है, हालांकि रूल के खिलाफ है बट ये चीज एक्सेप्टेड है। अगर आप यस करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एरर की दूसरी किस्म हो गई। एक तो एरर है ये, मतलब अगर आप यहां पे गलत वैल्यू एंटर करेंगे, और मेरा मतलब है यहां पे हम गलत डेट डालेंगे 3-3-2006 तो एंटर ही नहीं करेगा, स्टॉप, मतलब एंट्री नहीं लेनी है। बट अगर आप वार्निंग टाइप पे रखेंगे, मतलब अगर आप वार्निंग टाइप पे रख रहे हैं तो अगर गलत एंट्री है तो आपसे पूछेगा, यानी कि आपको याद दिलाएगा कि यार देखो ऐसे भी हो सकता है, आप गलत कर रहे हो, आपको लगता है हाँ यार मैं गलत कर रहा हूँ तो उसको सही कर लो। बट आप एंट्री कर रहे हैं और वो एक्सेप्टेड है, नहीं यार मैं सही कर रहा हूँ और ये मुझे सही बता रहा है, तो एंट्री कर लें। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन से। अल्टीमेटली मकसद सिर्फ यही है कि आप डेटा को सही तरह प्रॉपरली एंटर करवाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि डेटा गलत एंटर काफ़ी बार हो जाता है, ठीक है ना। अब इन रूल्स को ख़त्म कैसे करेंगे, रूल्स को ख़त्म करने का तरीका जैसे अप्लाई किए, भाई इन सेल को सिलेक्ट कर लें जिस पर ख़त्म करना है रूल को, डेटा में जाएं, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, रूल आपने दिया है इसको कह दें एनी वैल्यू, और एरर को यहाँ से कह दें रिमूव एरर, इनपुट मैसेज हटा दें, या सिंपली क्लियर ऑल कर दें इसको और ओके कर दें। जैसे इसको सिलेक्ट किया हमने और उसको कहा डेटा वैलिडेशन क्लियर ऑल, और क्या करेंगे इसको यहाँ पर भी क्लिक किया डेटा, डेटा वैलिडेशन, और क्या कहा क्लियर ऑल और ओके। अब यहाँ पर कुछ भी लिखें सही है,